नमस्कार, मैं हूं जिज्ञासा और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज डॉट इन। बिहार के शराबबंदी कानून में संशोधन की बात अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी करने लगे हैं। इन संशोधनों के बाबत पॉलिटिकल एनालिस्ट रुद्र प्रताप सिंह ने लाइव सिटीज के लिए विशेष आलेख लिखा है। वे संशोधन में जेल के बदले फाइन की भी बात कर रहे हैं। अब सुनिए क्या हो सकते हैं संशोधन। शराबबंदी के मोर्चे पर राज्य सरकार की हालत कारगिल की चोटी पर चढ़े पाकिस्तानी सैनिकों की तरह हो गई है। वे सैनिक जोश में आकर चोटियों पर चढ़ गए, उतरने का रास्ता उन्हें पता ही नहीं था। नतीजा क्या हुआ सब जानते हैं। सीएम नीतीश कुमार अब बीच के रास्ते की तलाश कर रहे हैं, ऐसा रास्ता जो शराबबंदी की मूल भावना को प्रभावित न करे और इसके नाम पर होने वाले अत्याचार को भी कम कर दे। उपाय यह बताया जा रहा है कि शराबखोरी की मामूली घटनाओं में जेल भेजने के बदले जुर्माना वसूलने का प्रावधान किया जाए। इससे जेल में भीड़ कम होगी, मुकदमों की बाढ़ रुकेगी और एक हद तक पुलिस व एक्साइज विभाग की नाजायज कमाई का जरिया भी बंद हो जाएगा। शराबबंदी का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। कानून के जानकारों की माने तो सुप्रीम कोर्ट से राज्य सरकार को राहत मिलने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि शराबबंदी संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत का हिस्सा है, यह राज्य सूची का विषय है। लिहाजा सर्वोच्च अदालत शराबबंदी के कानून को पूरी तरह निरस्त नहीं कर सकती है। हाँ, वह उन प्रावधानों को निरस्त या शिथिल कर सकती है जिसके चलते लोगों को परेशानी हो सकती है। मसलन बोतल भर शराब की बारामदगी में मकान और गाड़ी की नीलामी या दो पिग पीने की सजा 10 साल का कारावास। अंततः कानून में आमूल बदलाव राज्य सरकार के हाथ में ही है। सीएम नीतीश कुमार ने 3 दिन पहले खुले तौर पर स्वीकार किया कि कानून में बदलाव की जरूरत है। हालांकि वे अपनी ओर से बदलाव की कोशिश पहले से कर रहे हैं। उन्होंने अपने स्तर से कानून के जानकारों और अधिकारियों से बातचीत की, बीच का रास्ता सुझाने का आग्रह किया। इस सिलसिले में उनकी बातचीत जाने माने अधिवक्ता गोपाल सुब्रमण्यम से भी हुई। सुब्रमण्यम ही सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार की पैरवी कर रहे हैं। उनकी राय थी कि जब तक मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, राज्य सरकार अपनी ओर से कानून में बदलाव नहीं करे। उनकी राय को तर्क सम्मत मानकर राज्य सरकार निर्देश का इंतजार कर रही है। इधर विपक्ष ने शराबबंदी को राजनीतिक मुद्दा बना दिया है। राजद और हम के नेता सरकारी आंकड़े के हवाले से ही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि शराबबंदी कानून के शिकार पिछड़े, अति पिछड़े और अनुसूचित जाति के लोग ही अधिक हो रहे हैं। इसके अलावा जेल में बढ़ती भीड़ और अदालतों में मुकदमों के बोझ ने भी राज्य सरकार को परेशान कर दिया है। कभी कभी हाईकोर्ट की कठोर टिप्पणी भी सरकार को असहज कर देती है। नीतीश कुमार के लिए परेशानी का बड़ा सबब यह बन रहा है कि लाख कड़ाई के बावजूद शराब की तस्करी रुक नहीं पा रही है। इस धंधे ने तस्करों और पुलिस को इतना मजबूत गठबंधन बना दिया है कि इसे तोड़ना सरकार के बूते से बाहर चला गया है। फिलहाल 2 उपायों पर विचार चल रहा है। पहला यह कि राह चलते पकड़े गए गैर आदतन शराबियों से जुर्माने की भारी रकम की वसूली कर उसे थाना या उत्पाद अधिकारी के स्तर पर छोड़ दिया जाए। हालांकि डर यह भी है कि पुलिस वाले इसमें भी कमाई का रास्ता निकाल लेंगे। दूसरा उपाय यह किया जा सकता है कि घर और वाहन को जब्त करने वाले प्रावधान को शराब की मात्रा से जोड़ दिया जाए। इस प्रावधान के चलते भी हाई कोर्ट में सरकार की फजीहत होती रहती है। अभी कुछ दिनों पहले एक बोतल शराब की बारामदगी में बस की जब्ती पर अदालत ने राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी। तो ये थी शराबबंदी पर चल रहे संशोधन के प्रावधान की अपडेट्स। आप हमारी अगली अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लाइव सिटीज डॉट इन के साथ। नमस्कार।